आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। कहते हैं इस दुनिया में एक ही शक्ल के सात लोग होते हैं। सोचिए अपने हमशक्ल को देखना कितना अजीब होता होगा। लेकिन ये बात अलग है कि बॉलीवुड स्टार्स के तो हमशक्ल दिखते ही रहते हैं। सलमान, शाहरुख, रणबीर, इन सब के हमशक्ल को हम सब ने देखा है। देखा तो हमने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ के हमशक्ल को भी है। लेकिन उनकी चर्चा क्यों? क्योंकि टीवी के सबसे मजेदार क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 13 सीजन के सेट पर खुद बिग बी तब हैरान हो गए जब उनकी तरह दिखने वाले शशिकांत पेड़वाल उनसे मिलने पहुंचे, जो हूबहू अमिताभ की तरह दिखते हैं, उनकी तरह पर्सनालिटी रखना पसंद करते हैं, उनकी तरह बोलते भी हैं। शशिकांत पेड़वाल पिछले कई सालों से महानायक की आवाज और अंदाज में लोगों से बातचीत कर उनका मनोरंजन करते आए हैं। 50 साल के शशिकांत यूं तो धुले के रहने वाले हैं, लेकिन नौकरी के सिलसिले में पुणे शहर में बसे हैं। जब से कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया है और लोगों को त्रस्त करके रखा है, तभी से शशिकांत पेड़वाल मायूस हुए कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कई बार उनके इस योगदान के लिए उनकी प्रशंसा भी की जाती है। हाल ही में शशिकांत पेड़वाल की पॉपुलैरिटी देखकर केबीसी 13 की क्रिएटिव टीम ने उन्हें बिग बी से मिलने का ऑफर दिया। गेम शो के सेट पर जाना और अमिताभ बच्चन से मिलना, उनसे बातें करना शशिकांत और उनके परिवार के लिए किसी सपने जैसा होगा। शशिकांत ने कोरोना काल में कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, बिग बी ने उनकी भी तारीफ की। अब शशिकांत को उस पल का इंतजार है जब वो गेम शो पर हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन संग बातचीत करेंगे और महानायक के पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। बता दें, टीवी का पॉपुलर गेम शो केबीसी 13 आजकल छाया हुआ है। अब शो को इस सीजन की पहली करोड़पति भी मिल चुकी है। आगरा की हिमानी बुंदेला इस शो से 1 करोड़ रुपए की इनाम की राशि ले जा चुकी है। फिलहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।